वाली लाइट जलाओ वाली नहीं जला दूंगा। तो इतना अंधेर वाह वाली बढ़ के जला दियो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो अभी हम आए हैं मार्केट से, जस्ट ये पोटला तो पहले का है, उधर एक पोटला माल निकला रहा है वो लेके आए हैं डैंक करने के लिए। ये हमारा डैंक खाता है हमारे सैफ भाई का, ये हमारे सैफ भाई का खाता है। इधर आप कोई भी फ़ोन आ गया सर, अमन भाई का बात करना पड़ेगा। आप कैसे भी दुपट्टा सूट साड़ियाँ का डैंक करवाना चाहो तो अपने पास से डैंक करवा सकते हो। रात हो गई है, करीब कितना टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है 10:30, 11:15 बज गए हैं। और दूसरी बात, अगर आप भी डैंक का काम अगर सीखना चाहते हो तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे दो 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 खाते हैं तो आप कहीं भी रह के काम सीख सकते हो। तो ये बहुत अच्छा काम है और बुरा तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूरा गांव मेरा यही काम करता है और इसी काम से हमें सारी चीज़ें मिली हैं, गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, सब इसी की वजह से है। और अब बस दोस्त, ये साड़ी बन गई है। कौन सा कलर है इसको? पेट्रोल कलर बोलते हैं और मोरपीच भी बोलते हैं। तो आपको निकाल के दिखाते हैं साड़ी। ये पानी खोल रहा है, ओ यार गर्म है बहुत। अब इसको इसमें से निकालेंगे, अब इसको घंटी लगाएंगे। घंटी लगा दिया, आप दिखाते हैं आपको। इसमें चला दिया है घंटी में, अब ये अभी निकलेगा। पानी गर्म था, हाथ जल गया। अब घंटी हमारी वॉशिंग मशीन रुक गई है और इसमें देखते हैं कि मैचिंग जो कलर हमको चाहिए था वो आ गया है कि अभी आना बाकी है। तो दिखाते हैं आपको, घंटी चल रही है। मैंने निकाला था तो पहले से दिखाता हूँ कैसी डिजाइन बनी है वो। खोलो भैया, ये देखो ये साड़ी बन गई है, रेडी हो गई है। साड़ी के साथ में लड़की भी रही हो आप काम करो। ये हमारे सलमान भाई और अरमान भाई दोनों साड़ी चेक कर रहे हैं और ये साड़ी बन गई। इधर हमारे शेखू भाई हैं, इधर हमारे कल्लू भैया हैं। ये कारीगर मैं क्या बताऊं, इसकी जितनी भी तारीफ करूं कम है।